से सुने। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम आपको लिया गया नाह मेरा गांव है अलीगढ़ जिले में, मेरे गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अभी तक नहीं, मेरे गांव आप कल्पना कर सकते हैं। और मेरे जैसे हिंदुस्तान में लाखों गांव, और मेरे गांव में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, रोड्स भी नहीं है। मुझे मेरा गांव जब जाना होता है तो एक जगह तक मैं गाड़ी से जा सकता हूं, उसके बाद फिर पैदल 5-6 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में जाना होता, गाड़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि रोड्स ही नहीं है। भोपाल में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड जिसका नाम था। उस गैस कांड में 3 दिसंबर 84 की रात को 22,000 लोग मरे थे। उन 22,000 लोगों की मृत्यु के बाद हम लोगों ने आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था, और जब ये आंदोलन शुरू किया था तो उस समय उसका एक लक्ष्य था, और लक्ष्य ये था कि जिस अमरीकी कंपनी ने भोपाल शहर के 22,000 लोगों का खून किया उसको भारत से भगाना, क्योंकि जिस अमरीकी कंपनी ने ये दुर्घटना की थी उस अमरीकी कंपनी को भारत सरकार कोई सजा नहीं दे पाई थी। भारत सरकार ने तो उस अमरीकी कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया था और उस समझौते के आधार पर यूनियन कार्बाइड कंपनी को माफ कर दिया था। तब हम लोगों ने उस अमरीकी कंपनी को भगाने का एक अभियान शुरू किया जिसमें हम सफल रहे और हमने उस यूनियन कार्बाइड कंपनी को भगा दिया था। ये जो भोपाल के कारखाने में गैस निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट, और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का ये टेस्ट करके देखना हो कि ये कितने लोगों को मार सकती है, ये अमरीका में नहीं किया जाना, क्योंकि अमरीका में वो मानते हैं कि लोगों की जिंदगी की कीमत समझते हैं, इसलिए अमरीका में नहीं कर सकते। और अमरीका में ही नहीं कर सकते, अमीर देशों में कहीं भी नहीं कर सकते इस तरह के एक्सपेरिमेंट। कारण क्या है? कारण उसका एक सीधा साधा है कि उनके पर्यावरण के कानून बहुत सख्त है, और सरकारों ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि वहां के लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करे। तो ऐसी कंपनियां ऐसे प्रयोग करने के लिए, जहरीली गैसों के प्रयोग करने के लिए हिंदुस्तान जैसे देशों में तलाश, और यही हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली और एक रात में 10,000 लोग, और पिछले 12 साल में 5,00,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से प्रभावित हुए। अभी भी मौत का तांडव चलता है, अभी भी लोग मरते हैं उस जहरीली गैस के असर से। वो उन्होंने बाकायदा खुद हर युद्ध में वही गैसों के जहरीले बम, वही केमिकल बम उन्होंने गिराए और उनको बराबर उसके परिणाम मिले, लेकिन बम गिराने से पहले के जो प्रयोग किए गए वो हिंदुस्तान जैसे। ऐसे गरीब देशों में जहां की सरकारें बिकाऊ होती हैं वहां पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट। भोपाल में जो कुछ हुआ था वो ऐसे ही दुर्घटना नहीं, वो हिंदुस्तान के लोगों पर किया गया एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट आगे और बढ़ेंगे, ऐसे ढेरों एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। राजीव दीक्षित जी के जीवन चरित्र और उनके विचारों पर जल्द आ रही है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, देखना ना भूलें, ओनली ऑन राजीव दीक्षित विचार यूट्यूब चैनल पर। कि जैसे रॉथस्टाइल, जैसे रॉकफेलर के अभी तक भी जो उनके वंशज हैं, वो उस साम्राज्यवाद और उस पूंजीवाद को पूरा समेटे हुए अपने हाथों में, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे। दरअसल ये जो सामान्य लोग हैं, ये जो सामाजिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, ये कभी बड़ी क्रांति क्यों नहीं कर पाते? एक तो इनके पास साधन बहुत कम है, और दूसरी बात, ये जिस सोच, जिस आइडियोलॉजी को, जिन प्रिंसिपल्स को लेकर के चलते हैं, खुद पर ही शंका करने लग जाते हैं। कहते भाई हम कैसे करेंगे, तो बहुत ताकतवर लोग हैं, सब हमको मार देंगे, हमको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये भी सच है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाते उसको मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो मैं नहीं कहना चाहता था वो आज मुझे कहना पड़ रहा है कि वो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान, अपनी आहुति दे करके हमसे सदा सदा के लिए विदा हो गए। इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई बाधा नहीं है। मुझे लगेगा कि